बच्चन हो, अनिल माफ करेगा, अंबानी परिवार हो, योगेंद्र पंचोली इस वक्त हमारे साथ। योगेंद्र, हमारे हम तस्वीर जरा है देखना चाहेंगे जो आज अयोध्या में एक अभूतपूर्व या कहूं कि अस्मरणीय क्षण जो दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ में किस तरह की स्थिति है जयपुर में, जहां आप इस वक्त प्रेम मंदिर में मौजूद है। जी योगेंद्र, देखिए, एक भव्य आयोजन जो कि अयोध्या में हुआ है उसके गवाह जयपुरवासी भी बने हैं। छोटी काशी में भी बड़ा उत्साह है। लोगों ने यहाँ जो लाइव प्रसारण भी देखा कि किस तरह से जो रामलला है वो अयोध्या में विराजमान हुए हैं, मंदिर में विराजमान हुए हैं, किस तरह का उत्साह है लोगों में। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा उस देश के युग पुरुष कहूँ या एक राष्ट्र सच्चा सेवक कहूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी और उस भगवाधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सूझबूझ बिगड़ जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ यहाँ खून की नदियों का बहेगी, लेकिन आप देखिए मेरे सूझबूझ के साथ इस तरीके से 500 वर्ष की तपस्या का पूर्ण करने के बाद जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा भारत देश राममय में है आज, और बड़े सौभाग्य की बात है पूरे हिंदू धर्म के लिए कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने आज भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, और आज पूरे देश में ये जश्न दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। जय श्री राम। आज हमें हमारे वापिस राम मिल गए। जय श्री राम। क्या कहेंगे मैम, जो एक भव्य आयोजन हुआ है देश भर में उत्साह है। बहुत अच्छा, बहुत भव्य और बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। जी आज की डेट हमें पूरे राजस्थान को याद रहेगी, 22 जनवरी। जय श्री राम। बहुत बहुत माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत हम आभार करते हैं, जो उन्होंने हमारे जो मतलब देश में ये जो करा है, उन्होंने जो भव्य जो आयोजन किया है। एक रामलला का ही मंदिर नहीं था जो उन्होंने अयोध्या में प्रदेशवासियों को ये विस्थापित करके दिया है। हम बहुत बहुत शशत नमन है उनको हमारे। जय श्री राम। बड़ा आयोजन हुआ है, आप क्या कहेंगे, आप इसके गवाह बने अभी। अति भव्य, अति दिव्य, अतुलनीय, आप क्या कहे, इतना अकल्पनीय और इतना इंतजार, भव्य इंतजार, सब चाहते थे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया हम सबके लिए, राममय बना दिया हमारे भारत को, हमारे विश्व को, हमारे देश को, हमारे जयपुर को। जय श्री राम। 500 वर्षों का इंतजार आज पूरा हुआ है। आज विश्व रामलला के इस भव्य समारोह को बहुत हर्षोल्लास से मना रहा है। विश्व में आज हमारे भारत की महिमा, हमारे राम जी की महिमा बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से भारत का मुख्य प्रधानमंत्री जी ने इस मंदिर का निर्माण किया, उसके लिए मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तो मैंने रामलला जी के वहीं पर 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य पर त्याग किया, और समस्त राम भक्तों की ओर से जयपुर से जल्द मैं खुद स्वयं पदयात्रा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करने जयपुर से दिल्ली जाऊंगा, और एक ऐसे राष्ट्रभक्त का स्वागत अभिवादन करेंगे जिसने पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को सनातन की तरह से ला दिया। आप क्या कहेंगे, 1528 के बाद आज जो हमें ये दिन देखने को मिला है, हमारे पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, साधु संतों ने, करीबन 4 लाख से अधिक लोगों ने इसमें बलिदान किया। आज उस बलिदान का हमें सफल हुआ है, उस पुलौकी में आज ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और ये दिवाली की तरह पूरे देश के विदेश में भी मनाया जा रहा है। जय श्री राम। देश के लिए अद्भुत आज दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्या कहेंगे। आज का दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, लेकिन आज हिंदू जागरण दिन है, अपन इसको हिंदू जागरण दिन कह सकते हैं, और आज के दिन से हिंदू पूरे विश्व में फैलेगा, सनातन पूरे विश्व में फैलेगा, और हिंदुस्तान फिर से विश्वगुरु बनेगा। जय श्री राम। देखिए, हर तरफ आपने भी देखे, लोगों से हमने बात भी की, श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन सनातन को जो मानने वाले हैं उनके लिए आज का दिन भारतवर्ष के लिए जहां ऐतिहासिक है, वहीं जयपुर के जो लोग हैं वो भी इस ऐतिहासिक जो कार्यक्रम, जो समारोह हुआ है, जो रामलला में श्री राम विराजे हैं, जो एक अहम आज का दिन है, उसको यादगार बनाया जा रहा है। जी, जिस तरह का दृश्य वहां देख पा रहा हूँ, निश्चित रूप से लोगों में काफी उत्साह है, और लोग कह भी रहे हैं, मुझे दो नारे आज याद आ रहे हैं,
जब राम मंदिर अपने पीक पर था तब अक्सर ये गूंज दिखाई देती थी कि भगवान राम को लेकर के कि मंदिर वहीं बनाएंगे और दूसरा सौगंध राम के खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज वो पूरा हुआ है और भव्य मंदिर में भव्य मूर्ति विराजमान हुई है और आज निश्चित रूप से एक अलौकिक क्षण है जिन्हें हम अपनी नज़रों में समेटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथी योगेंद्र पंचोली, योगेंद्र ये लोगों का उत्साह है निश्चित रूप से सनातनी है और लोगों का कहना भी है, कोई कह रहा है कि मैं नंगे पांव जाकर के अयोध्या पहुंचूंगा तो कोई आभार जता रहा है। वहां भजन लाल भी रहे मौके पे मौजूद, क्या कुछ कहना था उनका और क्या अभी हम देख सकते हैं कि वहां नजारा किस तरह का बना हुआ है? देखिए जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था इसके गवाह और जयपुर की जो श्रद्धालु हैं, जयपुर को के जो सनातन को मानने वाले हैं वो तो बने ही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी कार्यक्रम में लगभग 2 घंटे से मौजूद थे और यहाँ देखिए जो एक बार नज़ारा जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, प्रेम मंदिर है उसके अंदर और बाहर की तरफ जो लोग हैं यहाँ जुटे हुए हैं। कार्यक्रम हालांकि हो चुका है, वहाँ कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं सामने जय श्री राम सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे और यहाँ जो सेल्फी भगवान श्री राम का जो पूरा मंदिर है और वहाँ एक कॉर्नर बनाया गया है जहाँ पर लोग सेल्फी भी ले सकते हैं, यानी ये एक अद्भुत है। और जो लोग यहाँ प्रभु श्री राम को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक अद्भुत भी हो जाता है जब किसी से यहाँ बात की जाती है तो केवल प्रभु श्री राम का नाम ही वो लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ आप भी पहुंचे हैं, कैसा लगा? प्रदीप कुमार पालीवाल, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद में, धार्मिक चीज देखा और सारी चीजें राम वन का प्राण प्रतिष्ठा जो हुई वो भव्य पूरे विश्व को एक अग्रसित करने का पॉइंट मिला और आज जो हमें यहाँ पे मिला श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में जो सारे वर्चस्व पूरे प्रेम मंदिर के पास में जो हमें मिला वो बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, पूरा देश आज इस श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में एक नए जोश के साथ में और एक नया तेज पूरे देश को एक उमंग मिली है पूरे देश को, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जय श्री राम। अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, पूरा देश इसका गवाह बना है, जहाँ पर भी सनातनी है वो इस चीज को देख रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अपने आप में ऐतिहासिक है, 500 वर्षों से पूरा देश जिस चीज का इंतजार कर रहा था कि प्रभु राम अपने राज्य सिंहासन पर बैठेंगे, आज भगवान राम बैठ गए, अब तो बस राम राज्य की जो परिकल्पना पूरी की जा रही है वो पूरी हो, जन जन के हृदय में भगवान राम पहुंचे, केवल अयोध्या में नहीं हर जन के हृदय में पहुंचे और इसमें हम सबको योगदान करना है, प्रभु राम के नाम का स्मरण नित्य प्रति करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र आज पूरी दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। हरे कृष्णा जो संस्थान है, अक्षय पात्र और जो इस्कॉन मंदिर, वो पूरी दुनिया के कोने कोने में हर भाषा के लोगों को प्रभु राम के नाम का गुणगान करने में लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली भगवान राम जब हृदय में पहुंचेंगे सारी बुराइयां सारे अवगुण से मुक्त हो जाएंगे और हम पूरा देश पूरा संसार राम में हो जाएगा। आपसे भी जुड़ेंगे, एक अद्भुत एक भव्य एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। जी जी जी, बहुत शुक्रिया योगेंद्र पंचोली हमारे सहयोगी जो जयपुर से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का माहौल जयपुर के मंदिर